ये वाले इंची टेप ली, मेरा इंची टेप था यहाँ पे। आगे वाले गले में 3 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, फिर 3 इंच इधर से लगा दीजिए। उसके बाद से इसको इन दोनों को ऐसे सामने सामने पकड़ के, और ये ध्यान दीजिएगा कि ये सब एकदम सामने सामने होना चाहिए, और ये पूरा कितना आ रहा है इसको माप लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से माप लेंगे, 7 इंच हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे बकरम को आपको लेना है, 7 इंच पे निशान लगा देंगे, इसको फिर डबल कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। इसमें हल्की सी गोलाई देनी है तो वो भी आप दे सकते हो। ओके, अगर आपको बकरम की चौड़ाई ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा थोड़ा आप इसको कट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कॉलर के लिए बकरम की कटिंग कर लोगे। ओके, उसके बाद से आपको कपड़ा लेना है, और ये बकरम को ऐसे रखना है, हाफ हाफ इंच चारों तरफ से आपको छोड़ के कट करना है। इस तरीके से हाफ हाफ इंच कपड़ा चारों तरफ से छोड़ के और इसको कट कर लेना है। ओके, उसके बाद से ये वाला इस वाले को उल्टी तरफ से, जैसे कि ये उल्टा है, उल्टी तरफ से बकरम को रखना है, और ऐसे सीधा सिलाई मार लेनी है। इस तरीके से कपड़े को मोड़ के इसके ऊपर सिलाई मार लेनी है। तो सिलाई करके लाते हैं दोस्तों। सिलने के बाद से ये जो कपड़ा बचा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, नीचे हाफ इंच छोड़ देना है। ओके, इतना सा ही छोड़ना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना है। उसके बाद से जैसे जैसे ये कपड़ा है वैसे वैसे कट कर लेना है। फिर उसके बाद से आपको यहाँ से इसको यहाँ पे लॉक करते हुए ये एकदम बकरम के पास में ऐसे सिलाई चलाना है। ओके, इस तरीके से सिलाई चला के इधर से निकाल देना है, और ध्यान रखिएगा ये वाला नहीं सिलना है, सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक सिल के इस तरीके से निकाल लेना है। तो इसको सिल के फिर दिखाते हैं। तो इसको इस तरीके से सिलने के बाद से इसको पलट लेंगे इस तरीके से। ओके, ऐसे पलटने के बाद से जो आपका ये वाला कपड़ा है, खुला वाला, जिसमें बकरम लगा है वो वाला नहीं, खुला वाला कपड़ा आपको लेना है, और एकदम यहाँ से आपको ये जो आपने निशान लगाई थी 3 इंच नीचे, यहाँ से आपको इस तरीके से पूरा सिल लेना है। इस तरीके से पकड़ते हुए पूरा इसको सिल लेना है। ओके, ये जब आप सिल लोगे पूरा, इतना सिल के लाते हैं, उसके बाद से दिखाते हैं। जैसे ये वाला सिल लिया, उसके बाद से इसको ऊपर की तरफ से ऐसे लेके जाएंगे, और एकदम यहाँ पे सिलाई चला देंगे पूरा कॉलर में, यहाँ से इस तरीके से पूरा ऊपर की तरफ से सिलाई चला लेंगे, और फिर दिखाते हैं। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो आई होप आप लोग को ब्लाउज में, सॉरी, कॉलर कैसे लगाएं समझ में आ गया होगा सूट में। तो इस तरीके से अगर आपको सूट की, कॉलर वाले सूट की कटिंग वटिंग सीखनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सूट में कॉलर कैसे लगाते हैं वो सबसे आसान तरीका मैंने आप लोग को बता दिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक्स टू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर।